आज के इस लेक्चर में हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक जिटर वेवंग का स्टडी करेंगे. एक्चुअली इट इज नथिंग बट इट इज द ट्रेम्बलिंग मोशन और रैपिड ऑसिलेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच ऑब ए डिराक इक्वेशन, मीन्स द पार्टिकल्स विच आर मूविंग विथ द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी. Actually, this word is a German word, and the meaning of this word is rapid oscillations. The existence of this type of motion, first of all predicted by Erwin Schwinger in 1930, this motion is occurred due to the interference between negative and positive energy state. And this interference produces a rapid oscillation or fluctuation with a speed of light. And the frequency of this oscillation is about 2mgc square over h cross, which is approximately equal to 1.6 into 10 to the power 21 radian per second. तो इसका prediction किस तरह से आता है rapid oscillations का, उसको देखने के लिए हम सबसे पहले डिराक इक्वेशन को यूज करते हैं. दैट इज एच साई एक्स टी इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई एक्स टी ओवर डेल टी. दिस इज वन डायमेंशनल वेव फंक्शन एंड एज वी ऑलरेडी स्टडीड दैट द डिराक हैमिल्टोनियन फॉर फ्री स्पेस इज गिवन बाय एच इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम जीरो सी स्क्वायर. And in component form, you can write it H equal to C alpha K PK plus beta M0 C square. अब हम अगर किसी operator की time dependence देखें, which is nothing but known as the Heisenberg picture, तो time dependence of any operator Q is given by this equation. dqt over dt equal to I over h cross hq, and you can write it h cross dqt over dt ihq. और अगर हम पोजिशन ऑपरेटर की टाइम डिपेंडेंस इस इक्वेशन से लिखें जो हमने अभी q ऑपरेटर के लिए लिखी थी, तो दिस विल कम आउट h cross dx kt over dt equal to I h comma x k in commutation. So if you put the value of h, then this relation becomes I commutation of c alpha k p k plus beta m0 c square x k. और इस commutator को आप solve करें तो you can have I c alpha k p k x k plus I c alpha k x k plus I बीटा एम जीरो सी स्क्वायर एक्स के. और ये जो होगा, चूंकि यहाँ बीटा आ गया, बीटा एक्स के से कम्यूट करता है, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो. एंड सिमिलरली अल्फा के जो है इसके अंदर वेलोसिटी ऑपरेटर आता है, दैट इज वी इक्वल टू सी अल्फा के या वी के इक्वल टू सी अल्फा के, और इसका कम्यूटेशन भी जीरो आएगा, जबकि पी के और एक्स के का कम्यूटेशन माइनस आई एच क्रॉस मिलेगा. और इससे हम देखते हैं कि h क्रॉस एक्स के डॉट टी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स के विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, दिस इज इक्विवेलेंट टू h क्रॉस c अल्फा k. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और यदि हम एक्स के जो अल्फा k हमने लिया था उसको मान लीजिए सॉल्व करने के लिए कि अल्फा k, इस इक्वेशन से हम अपन देखते हैं कि अल्फा के कैन बी इंटरप्रेटेड एज द kth कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑपरेटर. दिस अल्फा के ये वेलोसिटी ऑपरेटर है और अल्फा के आपका ये है, तो इस रिलेशन से डेफिनेटली जो अल्फा के है वो वेलोसिटी ऑपरेटर की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है. और इसी प्रकार हम टाइम डिपेंडेंस अगर वेलोसिटी ऑपरेटर अल्फा के की लें, तो टाइम डिपेंडेंस ऑफ अल्फा के वुड बी डी अल्फा के टी ओवर डी टी,
दिस इज इक्वल टू 1 ओवर आई एच क्रॉस अल्फा के एच क्रॉस एच। और इसको आप सॉल्व करें तो यू कैन हैव आई एच क्रॉस डी अल्फा के ओवर डी टी इक्वल टू, मैंने इसमें अल्फा के एच एड कर दिया है और यही सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो यहां ये आ जाएगा 2 अल्फा के एच माइनस अल्फा के एच माइनस एच अल्फा के, एंड यू कैन राइट इट 2 अल्फा के एच माइनस अल्फा के एच प्लस एच अल्फा के। और ये हम इस अल्फा के एच प्लस एच अल्फा के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और मान लीजिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अल्फा के का एक्स कंपोनेंट मींस अल्फा एक्स कंसीडर करें, तो ये जो अल्फा एक्स एच प्लस एच अल्फा एक्स इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होगा, अल्फा एक्स एच की जगह आ जाएगा सी अल्फा एक्स प्लस सी अल्फा वाई प्लस सी अल्फा जेड प्लस बीटा एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एच की जगह हमने लिख दिया यहां पे अगेन सी अल्फा एक्स प्लस सी अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम जीरो सी स्क्वायर इंटू अल्फा एक्स। और ये प्रॉपर्टीज आप पहले से ही अल्फा मैट्रिसेस की पढ़ चुके हैं कि अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हाइल अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स बीटा, दीज ऑल रिलेशंस आर इक्वल टू 0। तो ये सब वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो आपको अल्फा एक्स एच प्लस एच अल्फा एक्स आपको 2CPx मिल जाएगा। और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो आई एच क्रॉस डी अल्फा के ओवर डी टी इक्वल टू 2 अल्फा के एच माइनस 2CPk, एक जनरल रिलेशन यहां पे इसको कैलकुलेट करने के बाद 2CPx आया है और सारे कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे तो आप यहां पे Px की जगह Pk लिख देंगे। और इस इक्वेशन को अपन लिखना चाहे तो 4B की तरह लिख सकते हैं, आई एच क्रॉस अल्फा के डॉट टी इक्वल टू 2 अल्फा के एच माइनस 2CPk। तो अब हम क्योंकि अल्फा के है वो टाइम डिपेंडेंट लिया है और हम इसका एक बार और डेरिवेटिव लें तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा के आई एच क्रॉस अल्फा के डबल डॉट टी दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा के डॉट एच प्लस 2 अल्फा के एच डॉट माइनस 2CPk डॉट। ये इक्वेशन नंबर 3B का हमने डिफरेंशिएशन किया है। और अगेन हम एच की अगर टाइम डिपेंडेंस लें तो आई एच क्रॉस डी एच ओवर डी टी इक्वल टू एच और एच का ही कम्यूटेटर आएगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो और अगर हम पीके की टाइम डिपेंडेंस लें तो ये पी के एच आएगा और ये कम्यूटेटर भी 0 के बराबर होगा, इसका मतलब आई एच क्रॉस पी के डॉट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और जब ये जब 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों टर्म 0 होंगी, जिससे हमें आई एच क्रॉस अल्फा के डबल डॉट टी इक्वल टू 2 अल्फा के डॉट एच मिलेगा। और यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज ऑल्सो एज इक्वेशन नंबर 6 अल्फा के डबल डॉट टी इक्वल टू माइनस 2i अल्फा के डॉट एच ओवर एच क्रॉस। और इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखें तो इस सॉल्यूशन को हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जिस तरह से हम पहले सॉल्यूशंस निकालते आए हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा अल्फा के डॉट टी दिस इज इक्वल टू अल्फा के डॉट एट टी इक्वल टू 0, दिस इज द कोफिशिएंट एट टी इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2i एच टी ओवर एच क्रॉस, इस तरह का ये सॉल्यूशन मिलेगा। और 7 नंबर को अगर इक्वेशन नंबर 5 इसमें पुट करें आप तो ऑन सब्स्टिट्यूशन यू कैन हैव दिस वैल्यू 2 अल्फा के एच इक्वल टू 2CPk प्लस आई एच क्रॉस अल्फा के डॉट एट टी इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2i एच टी ओवर एच क्रॉस। और इससे हम अल्फा के की वैल्यू निकालें तो आपको इक्वेशन आई एच क्रॉस बाई 2 अल्फा के डॉट टी एट टी इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2i एच टी ओवर एच क्रॉस एच इनवर्स
प्लस सी पी के एच इनवर्स ये मिलेगा। और इस इक्वेशन 8 से और इक्वेशन नंबर 3 जो ये इक्वेशन है दिस वन, ये वैल्यू अगर यहाँ आप पुट करें दोनों को तो 3 और 8 से जो आपको मिलेगा वो होगा एक्स के डॉट टी इक्वल टू सी अल्फा के एंड दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी के एच इनवर्स प्लस 1/2 आई एच सी अल्फा के डॉट एट टी इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आई एच टी ओवर एच क्रॉस एच इनवर्स। अब यहां देखें तो ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। और आप जानते हैं कि क्लासिकल एक्सप्रेशन में जो वेलोसिटी जो एच आया है दिस इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी। और यहां से देखें कि सी स्क्वायर पी के एच की जगह क्या आएगा क्लासिकल एक्सप्रेशन में ई, तो ई इनवर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर पी ओवर ई और ई को आप लिख सकते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए एम सी स्क्वायर एंड देन दिस विल बी इक्वल टू वी। सो यू कैन से इन दिस इक्वेशन दिस टर्म सी स्क्वायर पी के एच इनवर्स इज नथिंग बट इट इज द क्लासिकल वेलोसिटी। और इस टर्म में देखें आप सेकेंड टर्म में एक्स के डॉट ये दिस इज नथिंग दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द क्लासिकल वेलोसिटी एंड दिस टर्म शुड बी रिप्रेजेंट वेलोसिटी आल्सो। लेकिन यहां अपन देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये टाइम के साथ ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करेगी या टाइम के साथ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगी और इस ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू ई ओमेगा इक्वल टू 2e ओवर h क्रॉस एंड विच इज मच मच ग्रेटर देन 2m0 c स्क्वायर ओवर h क्रॉस। तो फास्ट ऑसिलेशंस जो निकल के आए वो इक्वेशन नंबर 9 की सेकेंड टर्म से ऑसिलेशंस आए और जो तो एक्स के टी इक्वल टू अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें इक्वेशन नंबर 10 को तो एक्स के टी दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर पी एच इनवर्स टी माइनस 1/4 सी एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा के टी एट टी इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आई एच टी ओवर एच क्रॉस एच टू द पावर माइनस 2। और यदि हम इस डिस्प्लेसमेंट की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसको निकालें तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट सी स्क्वायर पी के एच टी ओवर एच माइनस सी एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 बिकॉज इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दिस विल गिव यू द टर्म दिस टर्म। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय इक्वेशन नंबर 11 ए और टुगेदर विथ इक्वेशन नंबर 11 बी। और अगर आपको क्लासिकली अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो ये जो एच है वो ई से रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी क्लासिकली एंड दिस इज क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो जो सेकेंड टर्म है इस इक्वेशन की वो जैसा मैंने बताया था कि ये जो टर्म है एक वाइब्रेटिंग मोशन को या फास्ट ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करती है और इस फास्ट ऑसिलेशंस को हम जिटर वेवन कहते हैं। तो ये जो फास्ट ऑसिलेशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और एवरेज वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। So the net displacement which occurred will be c square pk over pkt over e। और यहां से आप लिख सकते हैं कि x kt over t expectation value of x kt over t this is equal to c square pk over e and this is nothing but it is the velocity। तो ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी से पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा जबकि
जो आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म थी इक्वेशन नंबर 11 में, वो एक्सपेक्टेशन जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये फास्ट ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करेगी. इट मींस देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट टुगेदर विद द ऑसिलेशंस एंड दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर नॉट एज जिटर वेवंग. थैंक यू.